तो अभी मैंने जो उसका जो हैंडल का जो पोजीशन है वो मैंने नीचे कर रखा है, तो राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है, काफ़ी अच्छा मेरे को। जो फर्स्ट टाइम मैं जब इसको चला रहा था ना, तो इतना मैं यूज़ टू नहीं था, तो थोड़ा सा मेरे को हाथ में पेन होता था और एंकल में पेन होता था, लेकिन अब वो चीज़ ऐसी नहीं है। अगर मैं इसको लॉन्ग राइड पर भी लेके जाता हूँ ना, तो मेरे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये चीज़ प्लस पॉइंट है एक स्पोर्ट्स बाइक, जो कि आप टूरिंग सेटअप को अगर लेके चलते हो ना, तो कोई भी ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार अपनी गाड़ी का लुक चेक मारो। और गाइस थोड़ा सा क्या है कि और कहीं से तो कोई ऐसी आवाज़ आ रही है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को इरिटेशन फील हो रही है, यानी कि बैक से कहीं से आवाज़ आ रही है। अब काहे की आवाज़ है आई डोंट नो, ये होती है तो ये मेरे को फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, यहाँ कहीं से मेरे को आवाज़ आती है लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा है कि आवाज़ कहाँ से है। तो एक बार लुक चेक मारो। और वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग गाइज। तो चलो जी, पहले करते हैं इसका सेल्फ स्टार्ट। हाँ जी, तो जी सेल्फ स्टार्ट हो गया है और आरपीएम में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, जो कि इतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो कभी कभार क्या है कि इसमें ऐसी आवाज़ आती है ना, थोड़ी सी अनोइंग आवाज़ होती है कि गाइज इरिटेशन होने लग जाती है कभी कभी। आप जब किसी भी अगर अनोइंग टाइप की जैसे आवाज़ आती है ना, तो बहुत ज़्यादा माइंड ना डिस्ट्रैक्ट होता रहता है उसी चीज़ में। तो ये कैसे आती है, क्यों आती है, आई डोंट नो। ये पीछे की साइड से आती है आवाज़, और अब आई डोंट नो क्यों आ रही है। सारी चीज़ें नट बोल्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइट हैं। सो गाइज, आज बात करेंगे कि RC 200 बेटर क्यों है यामाहा R15 V4 से। तो इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे पास RC 200 है, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे ऐसे पॉइंट्स बोलूं कि यामाहा R15 जो V4 है वो ज़्यादा ख़राब है या फिर कुछ ऐसा है, दोनों ही बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, बढ़िया चीज़ जो है वो है इंजन स्पेसिफिकेशंस। तो इंजन स्पेसिफिकेशंस में देखो गाइज, ये गाड़ी थोड़ा सा अप हो जाती है 50 cc, क्योंकि इतनी पावर तो चाहिए ही चाहिए एक बाइक में। अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं ना गाइज, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये चीज़ें। कि उसमें होता क्या है कि आपको थोड़ा सा मतलब जो इंजन कैपेसिटी होती है ना, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है अगर एज आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं, लाइक लद्दाख हो गया, लाइक आप मतलब ये मान लीजिए कि 1000-1500 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस होता है ना, उसको आप कवर करने जा रहे हो ना, तो ईज़िली बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चाहे अगर हीटिंग इशू भी आते हैं ना, हीट भी होते हैं इंजन पे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली है। ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाती है 200 cc की। तो इसलिए इसमें नंबर वन पे मैं इसको रखूँगा यामाहा R15 V4 से। तो ये है। और दूसरा देखो कंफर्ट इसमें गाइज, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पुरानी वाली RC तो नहीं चलाई है, लेकिन जो अभी वाली जो ये नई वाली जो RC है ना गाइज, इसका जो सिटिंग पोस्चर और बाकी हैंडलिंग वगैरह इतनी ज़बरदस्त, इतनी कमाल की दे रखी है ना, कि आप बिल्कुल भी लिटरली मैं मतलब जो फर्स्ट टाइम मैं जब इसको चला रहा था ना, तो इतना मैं यूज़ टू नहीं था, तो थोड़ा सा मेरे को हाथ में पेन होता था और एंकल में पेन होता था, लेकिन अब वो चीज़ ऐसी नहीं है। अगर मैं इसको लॉन्ग राइड पर भी लेके जाता हूँ ना, तो मेरे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये चीज़ प्लस पॉइंट है एक स्पोर्ट्स बाइक, जो कि आप टूरिंग सेटअप को अगर लेके चलते हो ना, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाकी भाई आई थिंक सो, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और बाकी यामाहा R15 V4 में थोड़ा सा आपको डिसकंफर्टेबल हो सकता है थोड़ी सी राइडिंग को लेके, थोड़ा सा आप अगर लॉन्ग वे में अगर जाते हैं ना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो देखो गाइज हो सकती है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। लाइक इसमें ना एक बहुत ही बढ़िया फीचर दे रखा है, जो हैंडल को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, अप डाउन और अप एंड डाउन कर सकते हो। ये चीज़ मेरे को सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग लगी है ये KTM की तरफ से।
तो अभी मैंने जो उसका जो हैंडल का जो पोजीशन है वो मैंने नीचे कर रखा है, तो राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है, काफ़ी अच्छा मेरे को। इसके पास ये वाली न्यू वर्जन वाली है मोटो जी पी एडिशन, ये उसमें बहुत बढ़िया होने वाला है। और दूसरा देखो, एवरेज के मामले में खैर यामा R15 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो 50 KMPL का तक का एवरेज निकाल के देती है, और ये आपको सिटी में 45 समथिंग निकाल के दे रही है एवरेज। मैंने जो अभी तक नापा है ना एवरेज, वो इतना ही एवरेज निकाल के दे रही है 45, और मेरे ख्याल से शायद अबव ही निकाल देगी अगर मैं इसको अगर मैं इसको हाईवे पे अगर चलाता हूँ तो। बहुत ज़बरदस्त एवरेज देने वाली है, बाकी ये वाली चीज़ है। और ऐसी और कौन सी चीज़ है जो इसको ज़्यादा बेटर बनाती हैं? एक चीज़ और आ जाती है गाइस, पावर। पावर की कोई भी आपको लैग नहीं मिलने वाला है। आप अगर पिलियंस भी बिठाते हो ना, तो आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं दिखाई देगा कि आप अगर लगेज भी अगर कैरी करते हैं ना, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी ऐसा लैग महसूस नहीं होने वाला है कि पावर की कमी हो रही है। तो ये थोड़ा सा इसको और ज़्यादा बेटर बनाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं गाइस जो कि अपनी RC 200 को यामा R15 V4 से थोड़ा सा बेटर बना देती है। यामा R15 देखो वैसे अपनी जगह बहुत बढ़िया बाइक है, और RC अपनी जगह बढ़िया है, दोनों के ही स्पेसिफिकेशन थोड़े से अलग अलग हैं, दोनों ही अपने तरीके से बढ़िया चीज़ें हैं, लेकिन बेटर इसलिए बना देती हैं जो मैंने आपको पॉइंट्स गिनवाए हैं, पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बढ़िया मैटर करती हैं। और बाकी वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट व्लॉग देखने के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे वॉच। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।